दोस्तों, एक पेड़ तभी मजबूत बनता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। एक मकान तब मजबूत बनता है जब उसकी नींव मजबूत होती है, तब मकान मजबूत बनता है। रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब वो विश्वास की नींव उनकी मजबूत होती है। और बच्चों की मैथ्स तब स्ट्रांग बनती है जब उनकी नींव स्ट्रांग होती है, यानी कि उनकी नींव है उनके पहाड़े, उनके टेबल्स। तो टेबल्स जब हम कहते हैं बहुत टफ है, बच्चे बहुत डरते हैं, याद नहीं हो रही है, तो आज बहुत ही सरल तरीका मैं आपको सिखाती हूँ जिससे बच्चों को टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ना बच्चे को। तो मैं आपको वो प्रोसीजर सिखाऊंगी जिससे बच्चे अगर 2 से 10 तक अगर उनको टेबल आती है, उसके बाद वो चाहें तो 10 से लेकर 99 या इसके ऊपर तक वो टेबल अपने आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रोसीजर सिखाती हूँ कि वो क्या प्रोसीजर है। देखिए, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ 37 की टेबल, आपको करना क्या है, ये 37 की टेबल है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हम लिखेंगे 3 की टेबल, आपको 37 की टेबल लिखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3 की टेबल लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लिखिए 7 की टेबल। अब आपको करना क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा, इस 6 में इस 1 को ऐड करना है। तो जैसे आपको तरीका बताती हूँ, और ये 4 ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। 6 + 1 कितना हो गया, 7, और ये 4 एज इट आ जाएगा 74। 9 में ये 2 ऐड करेंगे, 9 + 2, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा 11। 12 में ये 2 ऐड करेंगे, 12 + 2 यानी कि 14, 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 15 + 3 18, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 18 में 4 ऐड करेंगे, 18 + 4 ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस 21 में 4 ऐड करेंगे, 21 + 4 क्या हो गया आपका, 25, 9 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। 24 में अब हम 5 को ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 29, 6 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 27 + 6 क्या आ जाएगा हमारा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 30 + 7 37। अब हमने क्या किया, 6 में 1 को ऐड किया, 7 आ गया, 4 एज इट इज़ आ गया। 9 में 2 को ऐड किया तो आ गया 11, 1 एज इट इज़ आ गया। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। चलिए एक और टेबल बताती हूँ, इसके अलावा एक और तरीका इसका बताती हूँ, दूसरी टेबल का है 23। इसको फटाफट लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे किसकी लिखेंगे टेबल, पहले हम 2 की टेबल लिखेंगे। ये हमने लिखी, पहले हमने क्या करेंगे, 2 की टेबल लिखेंगे, उसके बाद 3 की टेबल करेंगे। उसमें हमने आपको ऐड करना सिखाया था, इसमें आप वर्बली ऐड कर सकते हैं। 23 का तो 23 आ गया, सिंगल नंबर हो गया 46, 69, 8 में 1 ऐड किया 92, 10 में 1 ऐड किया 11, 5 का 5 आ गया हमारा ऐसे ही। 12 में 1 ऐड किया 13, 8 हो गया। 14 में 2 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 16, 1 हमारा एज इट इज़ आ गया। 16 में 2 ऐड किया 18 आ गया, ये हमारा 4 हो गया। अब 18 में क्या करना है, ये हो गया हमारा 27, और 20 में तो क्या हो गया हमारा 23, ये हमारी 23 की टेबल तैयार हो गई। है ना कितना आसान। बस आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को 2 से लेकर 9 तक की टेबल सिखानी है। उसके बाद आपका जो डर है बच्चे का मैथ से लेकर, मैथ का बहुत डर होता है, नहीं नहीं मेरे को टेबल याद नहीं करनी, मुझे को मैथ पढ़ने नहीं है, बहुत डर है, उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस आप हमारे संग जुड़ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरी मैथ्स आपको सिखाई जाएगी बच्चे को। बच्चों के संग बड़े भी इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं। नमस्कार जी।